नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल्स चैनल में। अब हम देखते हैं एक नई रिक्रूटमेंट जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली है। इसमें जो नए में पोस्ट दिया हुआ है, टोटल इसमें 8 पोस्ट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पोस्ट के लिए हम देखते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए, ये E6 ग्रेड में काउंट किया जाएगा। इसके लिए डिसिप्लिन है टेक्निकल मैकेनिकल प्रोडक्शन में, और इसमें जो मैक्सिमम एज मांगी गई है 50 है, और एक्सपीरियंस मांगा गया है 16 ईयर्स का। और डिप्टी जनरल मैनेजर DGM के लिए जो ग्रेड E5 है, और इसमें जो मैक्सिमम एज है 48 ईयर्स है, और एक्सपीरियंस 14 ईयर्स का मांगा गया है। सीनियर मैनेजर के लिए E4 ग्रेड दिया हुआ है, प्रोडक्शन में डिसिप्लिन होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो इसमें 12 ईयर्स का है, एज 46 मांगा गया है मैक्सिमम। मैनेजर के लिए E3 ग्रेड है, और इसके लिए मैक्सिमम एज 44 है, और एक्सपीरियंस 8 ईयर्स है। डिप्टी मैनेजर के लिए फाइनेंस अकाउंट्स में आपका डिसिप्लिन है, E2 ग्रेड है, और इसके लिए मैक्सिमम एज 42 है, और आपका एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर्स का मांगा गया है। और अकाउंट ऑफिसर के लिए फाइनेंस अकाउंट में डिसिप्लिन है, और ग्रेड E1 है, इसके लिए 35 ईयर्स मांगा गया है एज, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर के लिए E1 ग्रेड है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डिसिप्लिन है, और इसके लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंजीनियर के लिए E1 ग्रेड है मैकेनिकल, और इसके लिए 35 ईयर्स एज है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी डिटेल को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो ग्रेड वाइज एलिजिबिलिटी PSC और प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट के लिए क्या है। अगर आपने E6 ग्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके लिए स्केल अप्रोक्सीमेट CTC क्या है, एलिजिबिलिटी PSU कैंडिडेट के लिए क्या दिया हुआ है, और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए दिया। आप ये सारी डिटेल यहां पर पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अब पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए जो टेक्निकल प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए फुल टाइम इंजीनियर डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए वो ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, अगर आपने सीमेंट प्रोजेक्ट या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर काम किया गया है तो वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और पोस्ट कोड 3 और 4 के लिए प्रोडक्शन में, इसके लिए डिसिप्लिन है केमिकल इंजीनियरिंग, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, फ्यूल इफिशियंसी, पायरो प्रोसेसिंग, प्रेफरेबली इन ड्राई प्रोसेस सीमेंट में। और HR की जो पोस्ट कोड 7 है, इसके लिए फुल टाइम 2 ईयर MBA होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, MSW इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस फुल टाइम एग्जीक्यूटिव कैडर एक्सपीरियंस होना चाहिए HR में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, वेलफेयर में, लेबर लॉज में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। अब फाइनेंस अकाउंट के लिए जो पोस्ट कोड 5 में वैकेंसी निकली है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है CA ICWA, फुल टाइम 2 ईयर MBA होना चाहिए फाइनेंस में, और इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट इन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी और PSU। पोस्ट कोड 6 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है फाइनेंस अकाउंट में, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो CA ICWA, फुल टाइम 2 ईयर MBA होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस आपका फाइनेंस अकाउंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी PSU में, सुपरवाइजरी एग्जीक्यूटिव लेवल में, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अब मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट कोड 1 है, इसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इरेक्शन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन सीमेंट इंडस्ट्री। अब टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है, जनरल कंडीशंस क्या दिया हुआ है। अगर आपने कोई सा भी कन्वेंसिंग किया, एनी कन्वेंसिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाय द एप्लीकेंट, विल डिस्क्वालीफाई हिज हर कैंडिडेचर, ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। और आपकी जो भी डिग्री होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए AICT से, UGC से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जो भी कट ऑफ डेट रहेगी एज की, एक्सपीरियंस की, वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई से होगा जो कि 7 अप्रैल है। जो भी कैंडिडेट है मस्ट मीट ऑल द क्राइटेरिया एज पर अबोव क्राइटेरियन। इनकम्प्लीट डाटा आपको कोई भी यहाँ पे नहीं भरना है, अगर इससे आप रिजेक्ट हो सकते हैं, और CCI रिजर्व करता है कोई भी राइट को, वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है, चाहे तो रीओपन कर सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। और कोई भी चेंजेस किया जाएगा या क्लैरिफिकेशन होगा वो आपको इसकी वेबसाइट में मिल जाएगा, CCI की वेबसाइट पे, कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन कैंडिडेट है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपको आने जाने के लिए रिम्बर्स किया जाएगा AC 3 टीयर रेल फेयर में, जो शॉर्टेस्ट रूट रहेगा वो दिया जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं, CTC आपको कितनी दी जाएगी, क्या क्या CTC है।
अगर आपने ECX लेवल में अप्लाई किया है तो आपकी CTC रहेगी 17.73 प्लस, अगर आपने E5 लेवल में अप्लाई किया है तो आपकी CTC रहेगी 15.34 प्लस, E4 के लिए CTC है 14.10 प्लस, और E3 के लिए जो CTC है 12.06 प्लस, और E2 लेवल के लिए जो CTC है 9.98 प्लस, और E1 लेवल के लिए CTC है 7.94 प्लस। प्लस में आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा आपके लिए, प्लस आपके फैमिली के लिए, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशन। अब इसमें रिजर्वेशन दिया गया है एज रिलैक्सेशन में, रिजर्वेशन में क्या है, अपर एज लिमिट दी गई है 5 ईयर्स। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये देखते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाएंगे तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो उनको ग्रुप डिस्कशन भी किया जा सकता है, उसके बाद इंटरव्यू हो सकता है। अगर आपने सीमेंट इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करने के बाद जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वही काउंट किया जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव कैडर में सेलेक्ट होते हैं लेकिन अगर लोअर ग्रेड में कोई पोस्ट खाली है, डिपेंडिंग अपना सुटेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट, आपको लोअर ग्रेड में भी डाला जा सकता है। अब इम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर्ड, और जो भी कैंडिडेट है मस्ट बी ऑन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है www.cciltd.in में, वहाँ से आपको द फॉर्म शुड बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर टाइप करके फॉर्म फिल करना है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट में आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, हार्ड कॉपी में उसको पोस्ट से भेजना है, और साथ में आपको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। अगर आप PSU में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ ग्रेड, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको फॉर्म 16, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, CTC स्टेटमेंट ड्यूली साइंड बाय एम्प्लॉयर, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ये सबमिट करना होगा। और जनरल इंफॉर्मेशन, अगर कैंडिडेट एम्प्लॉयड है सेंट्रल में या स्टेट PSU में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC सबमिट करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे, या फिर जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपके पास रिलीविंग लेटर होना चाहिए। और ये एप्लीकेशन जो भी है आपको इस एड्रेस पे भेजना है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ से एड्रेस नोट डाउन कर सकते हैं। मैनेजर HR सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 3061 लोधी रोड, पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली, पिन कोड है 11003। जो लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन है 7 अप्रैल 2020 है। इस डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।